अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? स्वामी जी आप लोग क्या होंगे? उन्हें बस क्या होंगे? मैं आया हूँ अपने, मगर आज हमारे पास एक सरप्राइज है। ऐसा ही मैंने, आप देख रहे थे कि हमारी दो जो मुर्गियाँ हैं वो कम थी। वो क्यों कम थी, उसकी वजह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप हमारे तमाम जो हैं परिंदे वो देख लें। मैं अभी आपको अपनी एक हमारी एक मुर्गी जा चुकी है सेटअप से, ये सिर्फ मैंने आपको कहना था, और वो साथ वाले सेटअप पर ही है, किसी और के सेटअप पर चली गई है। और वहाँ से हम एक और चीज़ लें हैं, वो यह है सरप्राइज। यहाँ पर सरप्राइज हमारा ये है माशाल्लाह से, ये मुर्गा हम लेकर आए नया, ये देखते हैं आप, ये लाल रंग का हमारा मुर्गा है माशाल्लाह से। इसके पर भी वैसे के वैसे हैं जैसे हमारा एक, और मैं आपको अपनी स्टोरी ज़्यादा बता रहा हूँ। वैसे स्टोरी साइड है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक ना होता था, क्या नाम है, हमारे पास एक सीम मुर्गा था, सीम मुर्गी की जोड़ी थी। तो सेटअप में बहुत हमारे पास तीन मुर्गे बहुत होते थे, हमारे पास दो मुर्गे थे, एक ये लाल रंग का ऐसा सीम मुर्गा था, हमारे पास इतना बड़ा मुर्गा था, तकरीबन डबल मुर्गा था वो, और वो लड़ पड़ा उस जावा मुर्गे के साथ जो हमने आपको दिखाया था, एक साथ लड़ पड़ा उसने उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उसका जो चार्ज वगैरह वो तकरीबन लेकिन सच्चा जो है ना वो बिल्कुल ही ना डिम हो गया, मतलब उसको ना इतनी सर पर चोटें लगी थी, इतनी चोटें लगी थी, तो बचने की हालत में नहीं था, तो फिर हमने उसे ज़िबा करवा दिया था। तो ये थी हमारी साइड की स्टोरी, उसकी याद इसने हमारी दादा की है, ये बड़ा कुछ। और आज की एक साइड स्टोरी और भी है कि ये जो मुर्गी है ना, इसने अपना जो ना यहाँ पर मुँह दे दिया था, और जो अपनी गर्दन यहाँ पर डाल करना शुरू थी। अब देख रहे हो कि हमने इस मुर्गे को लकी हो गया है, तो आप देख ही रहे हैं इसके ज़ाहिर असबाब नज़र आ रहे हैं आपको। ये उसके साथ बैठ चुका था, इसके नीचे वाली कलगी जो है उसने कलगी नीचे वाली भी फाड़ दी थी, मतलब उससे भी खून निकला था, और नीचे ऊपर वाली कलगी से भी खून निकला था। और इसके साथ हमने दो मुर्गे छोड़ दिए, उसके साथ एक मुर्गी छोड़ दिया, वो मुर्गा कहते हैं मुर्गे की भी आपको खानी था। और ये मुर्गे को, ये मुर्गा उसके साथ बैठ चुका था, और उसने इसको इतना मारा बेचारे को, हालांकि हमने सिर्फ ना थोड़ी देर के लिए बना से छोड़ा था, सिर्फ दो मिनट के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह मैंने सारे के साफ कर दिया, देखे तीन सारे के जी। और वो एक मुर्गी हमने देखा था, एक मुर्गा ले लिया है, हमारे पास मिस्री मुर्गी जो थी वो हमने दे दिया और मुर्गा ले लिया। तो मुर्गी मैंने आपको इसलिए दिखाई थी, सिर्फ आपको मैं थंबनेल में, इंशाल्लाह मैं थंबनेल में आपको दिखा दूंगा वो मुर्गी। और माशाल्लाह से हमारे कॉकटेल भी देख रहे हैं बॉक्स को, कि बॉक्स में शायद अंदर इन्होंने अंडे देने के कोई प्रोग्राम किया हो वैसे, तो अभी तक मुझे कोई प्रोग्राम लगता है कॉकटेल माशाल्लाह से पड़े हैं हमारे अंडे नट्टी में, और ये सब घुस ही जाते हैं ना बस अपने केज में, बस ये भी अपने बॉक्स में जाना शुरू हो जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। ये मेरे लिए एक दफ़ा चला गया, दो दफ़ा चला गया, तो फिर ये फीमेल को भी जाना ले जाना शुरू कर देगा, और फिर ये इंशाल्लाह क्रॉसिंग वगैरह होगी और अंडे वगैरह आ जाएंगे, हफ्ते के अंदर हो जाते हैं सभी अंडे क्रॉसिंग हो जाए। तो ऐसा भी रखो, ये इन्होंने लव बर्ड ने भी अंडे लिए, हालांकि इनका फेयर तो बिल्कुल लगा हुआ है, इनका तो हमें पता ना कि पक्का फेयर है इनका, तो मुझे अभी भी कभी कभी डाउट होता है कि इनका मैं या दो मेल हूँ या दो फीमेल ना हूँ, मुझे ऐसा फीमेल ऐसा ना महसूस होता रहता है। तो अभी आपके सामने मैंने ये बॉक्स खोला है, तो इसमें आप देख रही तो देखने इतने बड़े हो गए हैं, देखें माशाल्लाह से। वैसे ये ना वीडियो में बहुत ही ना प्रॉब्लम होती है, और मेरा एक दोस्त जवाब रखी, उसने वीडियो में देख लिया था कि हमारे पास एक ना स्ट्रेन वाइट का जोड़ा आया था, तो उस जोड़े को मैंने सेल कर दिया था, वो मैं जहाँ से लेकर आया था वो मैं अपने दोस्त से उठा कर लाया था, और उसने मुझे जितने भी दिया उसने भी मैंने सेल कर दिया उसे जोड़ा। आप स्ट्रेन का देखें तो वो सेल हो चुका है इस वक्त, तो मैंने उसके लिए मटकी लगाई थी, वो मटकी लगाने का मकसद ये था कि ये मटकी वो देखें, ये कॉकटेल उन्हें देखें कि वो मटकी में जा रहे हैं, तो सही बात है फीमेल मटकी में कहीं भी जरूर थी। वीडियो बोला कि मैं ये चाहती हूँ, उम्मीद है पसंद आया, अगर समझे तो लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करो, मिलते हैं इंशाल्लाह कल अपने टॉपिक के साथ वीडियो के साथ, तक तकलीफ होता है। और आपने ये बताया कि ये पीछे पीछे ब्राउन पार्ट क्यों निकल रहे हैं, मैंने आप देखा है गोरा किया है कि ब्राउन पार्ट निकल रहे हैं नीले के साथ, हालांकि नीले पता है, तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों बॉक्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, पहली बार मैंने देखा है कि बॉक्स में छांकियाँ मार रहे हैं, और ये आज ये देख रहे हैं।